गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं स्टोरी राइटिंग. हम देख रहे थे, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. कंस्ट्रक्ट द स्टोरीज फ्रॉम द फॉलोइंग आउटलाइंस. हमें यहाँ पे आउटलाइंस दे रखी है और हमें उसकी स्टोरी बनानी है. चलिए पहले हम आउटलाइंस को रीड आउट कर लेते हैं. अ डोंकी कैरिंग अ लोड ऑफ सॉल्ट क्रॉसिंग अ स्ट्रीम फॉल्स डाउन गेट अप्स फाइंड्स हिज लोड लाइटर. Next day, knowingly falls into the water. The third day, the owner load him with cotton. The donkey repeat his tricks and punished. देखिए, इस आउटलाइन से हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एक स्टोरी है डोंकी से रिलेटेड. इसमें क्या किया गया है, डोंकी के ऊपर सामान रखा गया है, सॉल्ट रखा गया है, मतलब सॉल्ट की बोरियां रखी गई हैं. फिर वो लोग क्या कर रहे हैं, जो ओनर है, जो डोंकी का मालिक है और डोंकी, वो एक स्ट्रीम को, रिवर को क्रॉस कर रहे हैं. और वहां पे क्या होता है, जो डोंकी होता है वो गिर जाता है. फिर जब वो उठता है और फाइंड हिट्स लोड्स लाइटर, और जब वो उठता है वो ये देखता है कि जो उसके ऊपर का लोड था, मतलब जो भारी भारी बोरियां थी, वो बहुत हल्की लग रही हैं. नेक्स्ट डे नोइंगली फॉल्स इन टू द वॉटर. फिर जानबूझ के अगले दिन वो क्या करता है, पानी में फिर से गिर जाता है. द थर्ड डे द ओनर, तीसरे दिन जो उसका मालिक होता है, लोड हिम विथ कॉटन. तो उसका मालिक तीसरे दिन क्या करता है, जानबूझ के उसके ऊपर कॉटन रख देता है. डोंकी रिपीट हिट्स ट्रिक. फिर डोंकी जानबूझ के अपनी ट्रिक रिपीट करता है, जैसे रोज पानी में गिरने की, और पनिश पाता है. इसमें क्या समझ में आया हमें कि जो सॉल्ट रहता है पानी में गिरने से क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है, इसलिए जो उसका वेट था वो कम हो जा रहा था. लेकिन अगर हम कॉटन रखेंगे तो कॉटन जब पानी में से वेट हो जाएगा तो उसका वेट क्या होगा, और भारी हो जाता है. तो इस तरीके से जो डोंकी होता है उसे जो लास्ट में लोड बहुत ज़्यादा हैवी लगता है, और उसको मालिक को पता चल जाता है कि जानबूझ के रोज गिर रहा था. तो चलिए इसको हम नोटबुक में लिखेंगे. सबसे ऊपर हेडिंग जाएगी स्टोरी राइटिंग. स्टोरी राइटिंग के बाद आप हेडिंग डालोगे अ डोंकी कैरिंग अ लोड ऑफ सॉल्ट डैश डैश पंच, मतलब पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना आपको. फिर हम यहाँ स्टार्ट करेंगे मार्जिन से ही. वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ सॉल्ट मर्चेंट इन अ विलेज. एक समय की बात है, एक सॉल्ट मर्चेंट, मतलब सॉल्ट का व्यापारी रहता था एक गाँव में. ही हैड अ डोंकी, उसके पास एक डोंकी था. एवरी मॉर्निंग ही वुड लोड a sack of salt on the donkey and go to the nearby town to sell it. तो इसमें ये बताया जाता है कि जो हर सुबह वो क्या करता था, उसके ऊपर बोरियां रखता था नमक की और डोंकी, और फिर वो मिलके कहाँ जाते थे, पास के एक टाउन में सेल करने के लिए. तो देखिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, अ डोंकी कैरिंग अ लोड ऑफ अ सॉल्ट, इस लाइन का यूज किया गया है. फिर इसके आगे दिया हुआ है ऑन द वे They had to walk across a stream. जब वो जाते थे तो उन्हें एक स्ट्रीम को क्रॉस करना पड़ता था, एक स्ट्रीम के क्रॉस जाना पड़ता था. फिर देखिए हम पैराग्राफ चेंज करेंगे. यहाँ पे हमारा क्रॉस अ स्ट्रीम हो गया था, इसके बाद हम लाइन छोड़ेंगे, फिर आगे लिखेंगे. वन डे वाइल क्रॉसिंग अ स्ट्रीम, एक दिन की बात है जब वो लोग क्रॉस कर रहे थे स्ट्रीम को, द डोंकी थॉट दैट दिस लोड इज सो हैवी That I become exhausted. मतलब डोंकी के मन में ये आया कि कितना भारी है लोड ये, और वो थक जाता है. I wish I could get some of this load taken off my back. डोंकी को ऐसा लगता है कि काश मेरे ऊपर से कोई सामान हटा दे, लोड कम कर दे. Just then the donkey tripped and falls down. उसी टाइम डोंकी का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाता है. But the sack of a salt on the donkey's back fell into the river. जो donkey के ऊपर जो बोरियां रहती हैं वो पानी में गिर जाती हैं. देख इसमें ये दिया ना, falls down का use किया हमने, वो लोग पानी में गिर जाते हैं. Get ups. Both the donkey and the salt become wet. Donkey भी गीला हो जाता है, salt भी पूरी गीली हो जाती है. Some of the salt get dissolved in the water. And donkey find his load lighter. तो जो उसके ऊपर सॉल्ट रहती है वो क्या होती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है, और डोंकी को बहुत लाइट लगता है, हल्का लगने जाता है, उसके ऊपर का वजन कम लगता है. ठीक है, मेरा यहाँ पेज खत्म हो गया, नेक्स्ट पेज जा रही हूँ आपकी जगह वो थोड़ी से कंटिन्यू करेगा. पैराग्राफ भी चेंज कर लीजिएगा. फ्रॉम डैट डेट
डोंकी नोइंगली फॉल्स इन टू द वॉटर. उस दिन से जान मुझ के जब डोंकी को पता चल जाता है कि पानी में गिरने से वजन कम हो जा रहा है नमक का, तो उस दिन से जान मुझ के वो रोज गिरने की हैबिट बना लेता है. दिस वुड डिजोल्व सम सॉल्ट इन द सैक, थस रिड्यूसिंग द वेट एंड रिलीविंग द डोंकी. तो इससे क्या होता है, रोज पानी में गिरेगा तो रोज जो सॉल्ट होगी वो डिजोल्व हो जाती थी और बोरी हल्की लगने जाती थी. एंड डोंकी कंटिन्यूड फॉर फ्यू डेज. तो डोंकी जान मुझ के कुछ दिन करता रहा. तो उसमें यही दिया हुआ है, finds his load lighter next day knowingly falls into the water the third day. फिर ये कुछ दिन तक ऐसे करता है. next morning line छोड़ेंगे, paragraph change करेंगे. next morning the owner instead of loading a sack of salt, जो मालिक कहता है वो नमक न रख के उस दिन he loaded a sack of cotton on the donkey's back. तो क्या रख देता है, donkey के back में cotton रख देता है. हमने इस line का use किया, load with cotton. The donkey repeat his trick, hoping that after some time the weight of sack would get reduced. The donkey को यही हो रहता है कि आज मैं फिर से गिरूंगा तो मेरा वजन कम हो जाएगा. But this time, when he got up, the load of his back seemed heavier. लेकिन इस time क्या होता है, जब वो उठता है तो उसे पता चलता है कि बहुत उसे heavy लग रहा होता है. The owner told the donkey that I loaded a sack of cotton. जो मालिक कहता है फिर वो बताता है कि आज मैंने तुम्हारे ऊपर cotton रखा है. Which gets heavier by getting wet to teach you a lesson. तो बोलता है कि मैंने रुई रखी है, रुई जो होती है पानी में भीगने के बाद हैवी हो जाती है, टू जिससे मैं तुमको एक सबक सिखा सकूं. एंड द डोंकी वॉज पनिश. उसके बाद डोंकी को पनिश किया जाता है. तो देखिए हमने यही यूज किया है, रिपीट हिज ट्रिक्स एंड पनिश्ड. डोंकी को पनिशमेंट मिल जाती है. देखिए जहां जहां हमें पैराग्राफ छोड़ा गया है हमें सेम वैसे ही लिखना है. फर्स्ट पैराग्राफ के बाद लाइन छूटेगा, उसके बाद हमें सेकेंड पैराग्राफ लिखना है, फिर सेकेंड पैराग्राफ, ये थर्ड पैराग्राफ है हमारा, फिर इसके बाद फिर लास्ट.